हेलो गाइस, इट्स मी आस्था। वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ माय चैनल। आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं उन पांच लोगों के बारे में जिन्होंने अपनी सेल्फिशनेस को पीछे छोड़कर जानवरों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया और उन्हें बचाया। जब हम आपको इनके बारे में बताएंगे तो आपको भी ये यकीन हो जाएगा कि इस दुनिया से इंसानियत अभी तक खत्म हुई नहीं है। आज भी कई लोग ऐसे हैं जिनके लिए किसी और की जान की कीमत भी उतनी ही है जितनी कि उनकी खुद की। तो चलिए फिर आपका ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करते हैं और अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नंबर 5, अफजर खान। ये बहरीन की स्वेत रिवर के किनारे रहने वाला एक आम आदमी है। ये एक दिन बाहर आए अपने प्रिया करने के लिए, जब इनकी नजर पड़ी एक व्हील बैरो पर जो कि पानी में बहा जा रहा था। ये वहाँ के रेसिडेंट थे और इन्होंने जब उसको देखा तो इन्होंने तुरंत ही ये निश्चय कर लिया कि ये उसे बचाएंगे और वे तुरंत ही कूद पड़े उसको बचाने के लिए। जैसे ही उन्होंने उसे बचा लिया, उनकी नजर पड़ी एक छोटे से पपी पर और वो तुरंत ही उसे बचाने के लिए भी उसके नजदीक चले गए और उसे भी बचा लिया। तो ये होता है इंसानियत, जो कि किसी के लिए भी इंसान में होना जरूरी है। नंबर 4, किड्स लव फॉर द डॉग। हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि डॉग ह्यूमंस के बेस्ट फ्रेंड होते हैं अगर इंसान उसे अच्छे से बात करे और उसे प्यार से रखे तो। ऐसा ही कुछ इस कहानी में भी है। यह एक छोटा सा बच्चा जब जा रहा था तो उसकी नजर पड़ी एक एक्सीडेंट पर जो कि एक डॉग का हुआ था, एक कार से, जिसकी वजह से उसके पैर में चोट लग गई थी और डर की वजह से उसका पैर पैरालाइज भी हो गया था। इस बच्चे ने ना ही किसी बड़े की फिक्र की और तुरंत ही दौड़ पड़ा उसको उठाने के लिए और उसने अपनी पूरी ताकत से उसे उठाया और बहुत अच्छे तरीके से कार्स को डॉज करके अपने घर तक भी लेके गया और इसकी खूब देखभाल भी की। नंबर 3, नेडी ब्लैंको। आपको इस स्टोरी के बारे में क्या कहना होगा जिसमें एक गार्जियन अपनी लाइफ को खतरे में डालकर अपने डॉग को मुसीबत से बचाएगी। यह नेडी ब्लैंको है। इसने एक कोयोटे को अपने यार्ड में घुसते हुए देखा और जब इसने देखा कि वो उसके डॉग सैमी पर अटैक करने जा रहा है तो यह तुरंत ही फेंस तोड़ के वहां आ गई और एक जोरदार पंच मार दिया उसने कोयोटे के चेहरे पर। पहले तो उसने उसे बहुत घूर के देखा, बहुत खूंखार तरीके से उसे देखा, लेकिन जब उसने देखा कि वो उससे डर नहीं रही है तो वो अपना पीछे चला गया और भाग गया वहां से। इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर कोई भी अपने डॉगी को खुले में छोड़ना चाहता है या उसे बाहर छोड़ना चाहता है तो उन्हें इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि उसके डॉगी को अपना खुद की रक्षा करनी आनी चाहिए और अगर ऐसा नहीं सिखा पा रहे हैं तो हमेशा उसके ओनर को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो उसके साथ ही रहें, वरना कई बार ऐसा हो सकता है कि उन्हें भी कोयोटे का सामना करना पड़े। नंबर 2, शीप सेवियर। जरा सोचिए कि अगर आप कहीं मजे में जा रहे हैं और आपकी नज़र पड़े एक शीप पे जो कि बहुत बुरी कंडीशन में है और मरने के कगार पे पहुंच गया तो आप क्या करोगे? तो चलिए आप सोचिए, तब तक हम आपको बताते हैं इस कहानी के बारे में। ये बच्चे एक बार एक जगह से जा रहे थे और इनकी नज़र पड़ी एक शीप पे जो कि बहुत गहरे पानी में डूबा जा रहा था। ऐसा देखते ही इसमें से एक बच्चा निकला और उसने तुरंत ही उस शीप को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहा। ऐसा देखते ही उसमें से तुरंत दूसरा बच्चा निकला और उसने उसको अपना हाथ दिया ताकि वो शीप को पकड़ सके और उसने पकड़ भी लिया और उसे ऊपर खींच लिया और उस शीप की जान बचा ली। सच में अगर ये बच्चे वहाँ नहीं होते तो पता नहीं शीप का क्या ही होता, उसका बचना तो बिल्कुल नामुमकिन ही था फिर तो। नंबर 1, 3 लायंस सेव द गर्ल। ये कहानी बाकी कहानियों से एकदम अलग है। इसमें इंसान ने नहीं बल्कि जानवर ने इंसान की जान बचाई है। 2005 में ये लड़की जून के समय में अपने स्कूल से वापस आ रही थी साउथ वेस्ट इथियोपिया में, जब इसको किडनैप कर लिया कुछ आदमियों ने मिलकर। एक हफ्ते किडनैपिंग करने के बाद वो इसको शिफ्ट कर रहे थे एक जगह से दूसरी जगह क्योंकि पुलिस इनके पीछे पड़ गई थी, लेकिन तभी 3 लायंस ने मिलकर इनको चेस किया और उस बच्ची को उनके चंगुल से बचा लिया।
और ये बच्ची तब तक उनके पास रही जब तक पुलिस इसको अपने साथ ले नहीं गई। जब ये बच्ची पुलिस के पास पहुंची और पुलिस ने अच्छे से तफ्तीश की और इससे जानकारी लेनी चाहिए, तो इसने बोला कि भले ही उन किडनैपर्स ने इसको मारा पीटा और इसके साथ बहुत बुरा सलूक किया, लेकिन उन लायंस ने इसके साथ बहुत प्यार से बर्ताव किया और इसको कोई भी चोट नहीं पहुंचाई, बल्कि ये उनके साथ बहुत अच्छे से रह सकी। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।